सीएम के बारे में यूज़ किया गया था। ये तो जरूर सभी को किन्हीं को अच्छा नहीं लगेगा, एक आम व्यक्ति भी सुनेंगे, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको शब्दों का मर्यादा तो रखना ही चाहिए। हम विरोध करें, हम किन्हीं का चेहरा अच्छा नहीं लगे तो वो अलग बात है, लेकिन शब्दों का ख्याल और भाषा का मर्यादा तो जरूर रखना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सभी को। जदयू आरजेडी में वार शुरू हो गया है। मैडम, गठबंधन में आपके सब ठीक है? महागठबंधन में देखिए, महागठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग जो सोच रहे हैं वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक अच्छे से चल रहा है। बीजेपी क्योंकि सवाल खड़े कर रही है कि महागठबंधन फूट पड़ती जा रही है, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, सभी एक दूसरे को मतलब भाला फूकने में लगे हुए हैं, ये सब बातें हो रही हैं। ये सब कहीं से कयास लगाने वाली बात है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई से परे, इसलिए इसमें इस बात में बीजेपी के इस बात में कोई दम नहीं है। महागठबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार मजबूती से लोगों के हित के लिए, लोगों के विकास के लिए, हर वर्ग हर समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है। महागठबंधन की सरकार कृत संकल्पित है इसको लेकर। मैडम, एक सवाल है, रामचरितमानस का सम्मान होना चाहिए, और हमने भी उनसे पूछ लिया था, और उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम ने भी कह दिया था कि निश्चित तौर पर इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, उनको समझा दिया गया था। लेकिन सुधाकर सिंह ने जो शब्द का प्रयोग किया था नीतीश कुमार के लिए, उस पर राजद ने अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, क्या कहती है इस पर? देखिए, उस मामले पर तो आरजेडी के नेतृत्व जो है वो खुद सक्षम है, ज़रूर उस मामले को देख रही है और कोई निष्कर्ष पर पहुँचेगी, हम लोगों को उम्मीद है। लेकिन कुछ जो नेता है मैडम, ये तो आप मानती हैं ना कि उनके बयान जो है वो जेडीयू को चुभ रहे हैं, जैसे कि सुधाकर सिंह बोल रहे हैं, चंद्रशेखर सिंह ठीक है, उन्होंने भी विवाद पैदा कर दिया है, तो ऐसे नेताओं को आप कुछ कहना चाहेंगे, जेडीयू कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जेडीयू के तरफ से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कुछ है, पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसके बाद हमारे पार्टी के तरफ से भी स्पष्ट राय रख दी गई है कि हमारी पार्टी की क्या राय है। हमारी पार्टी की राय है और हमारी पार्टी का मानना है कि सभी धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए, सभी धार्मिक ग्रंथों का हम लोग सम्मान करते हैं, सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, तो हम लोग इस पक्ष में हैं। तो स्पष्ट तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह चुके हैं और हमारे कई पार्टी के प्रमुख। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।